नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आज हम आंखों के लाल होने के बारे में बात करने वाले हैं कि आंखों का लाल होना आखिर क्या कारण होता है, कहीं किसी आंखों से संबंधित बीमारी के लक्षण होते हैं इसके। देखिए, आंखें लाल होना एक सामान्य सी समस्या है और इसके कई कारण हैं। तो एक तो हम ले लें कि आंखों का लाल होने को इन्फेक्शन से जोड़ लें तो कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। अगर वो बैक्टीरियल होता है तो दोनों आंखें लाल होती हैं, आंखों से कीचड़ आता है, सुबह आंखें चिपका रहता है, आंखों से पानी होता है, रड़क होता है, चुभन होता है। तो इसमें अगर बैक्टीरियल होता है तो एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करते हैं, और अगर देखेंगे तो ये कभी कभी आप वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी होता है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में वो नॉर्मली एक आँख में होता है, इसमें आँखों में कीचड़ नहीं होता है, आँखें सुबह चिपकती नहीं हैं, और आँखों में तकलीफ वही होता है फोटोफोबिया, जो धूप में आँखें कम खुलना ये होता है, और बाकी आँखों से कम दिखना, आँखों में से पानी आना, तकलीफ होना, दर्द होना, रड़क होना, चुभन होना आगे रहती है। तो ये वायरल केराटाइटिस जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इसमें आप वायरल एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं और ये उचित तुरंत उपचार की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आँखों में ये पुतली में दाग रह जाता है। इसके साथ ये एलर्जिक नेचर का भी होता है। एलर्जिक नेचर में भी आपको देखना होता है कि ये एलर्जिक नेचर दोनों आँख में हो सकता है, एक आँख में हो सकता है। ये आँखों में इसमें भी कीचड़ नहीं आता है, आँखें सुबह चिपकी नहीं रहती हैं, लेकिन आँखों में लाली होता है, चुभन होता है और खुजली बहुत होती है। ये एलर्जिक का पहचान है, खुजली बहुत होती है। तो ऐसे केसेस में हम एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप या माइल्ड स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग करते हैं। ये तो इन्फेक्शन की बातें हो गई, लेकिन इन्फ्लामेटरी ओरिजिन में भी आँखों में लाली होती है। इन्फ्लामेटरी ओरिजिन नॉर्मली एक आई में होता है और उसमें अंदर में सेल्स और फ्लेयर मिलते हैं, तो उसमें आप अगर इन्फ्लामेटरी, उसके लिए स्टेरॉयड ड्रॉप का करना पड़ता है सेवन, और देखना पड़ता है किस कारण से हुआ। इसके साथ ही आँखों का प्रेशर बढ़ना, वो एक आँख में हो दो आँख में, अगर एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होगा, अगर अचानक आँखों का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आँखों में दर्द होगा। इन दर्द के साथ वहाँ पर डिप्लोपिया, दर्द के साथ आपको कलर्ड हेलोज होंगे और अन्य चीज़ें समस्याएं होंगी, वो ग्लोकोमा के लिए होती है, उसमें प्रेशर कंट्रोल करना होता है। और आँखों में दर्द ऐसे आप अगर देखेंगे तो नॉर्मली जो काफ़ी तकलीफ अगर रहता है, जैसे आँखों में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, ये कारण हुआ, तो सर में दर्द या किसी का बुखार आ गया, आज के हाल में भी देखिए कोरोना का शिकार हुआ था, तो कोरोना काल में कितने मरीजों का प्रेजेंटिंग सिम्टम आँखों में लाली था, और वो असल में वो एक तरह से कोरोना के ही शुरू के लक्षण थे। या किसी भी अन्य की शारीरिक बीमारी होती है तो आँखों में लाली हो जाती है। तो आँखों में लाली होना के कारण बहुत सारे होते हैं। अगर आँखें लाल हों तो निश्चित ही नेत्र चिकित्सक से मिल लें, क्योंकि आँखों में लाल में इन कारणों के मैंने बताया कि एलर्जिक, बैक्टीरियल, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो, या आप यूवीआईटी जो हमने कहा इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन का होगा, या ग्लोकोमा का होगा, या कभी कभी फ्लेक्टुलर कंजंक्टिवाइटिस, वो भी एक तरह का एलर्जिक होता है, उसमें भी होते हैं। तो और ये तो चीज़ों आँखों में लाल होना एक सामान्य सी समस्या है, लेकिन आँखें लाल हों, साथ में रोशनी गई है कि नहीं, कीचड़ आ रहा है कि नहीं, इन सब देख करके आँखों में हम उसको इलाज करते हैं। और लाली माने अगर तो बहुत साधारण सी समस्या है, और माने तो बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इसे गंभीरता से ले, नेत्र चिकित्सक से मिल करके उचित उपचार कराएं ताकि आपका उपचार हो सके, और उपचार के बाद आपको यह समस्या उतनी बड़ी न रहे। तो ये हो गई आंखें लाल होने के कारण, उसके उपचार, उसके सिम्टम्स के, तो इनसे आपकी आंखें बची रहेंगी। और आंखें लाल होने को लेकर अभी आप देखेंगे मौसम बदलने को लेकर, मौसम बदलने में बहुत सारी आंखें लाल होती हैं, तो ऐसे में देख करके उचित उपचार करा करके आंखों को बचाया जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ आंखों के लाल होने के बारे में जो जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आप डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने आंखों के लाल होने के कारण क्या होते हैं, इसके कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, इसके लेकर हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।